पर भी एक सजा आई है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य इंसान हर दिन 30,000 बार सांस लेता है, यानी आपके लंग्स जीवन में बिना रुके निरंतर काम करते हैं। टॉक्सिक स्मॉग, ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन श्वसन प्रणाली को लगातार प्रभावित कर रही है। लोग आम तौर पर सांस की समस्या को अनदेखा करते हैं जब तक वह पुरानी नहीं बन जाती। रेस्पिरेटरी ट्रैक में एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल, साइनसिस होते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां हानिकारक होती हैं जो कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को बिगाड़ सकती है। लंग से रिलेटेड मेनली 3 प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है, जैसे एयरवे डिजीजेस, लंग्स टिश्यू रिलेटेड डिसऑर्डर्स या लंग सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स। एयरवे डिजीज में ऑक्सीजन और अन्य गैसेस को ले जाने वाली नलियां प्रभावित होती हैं। इसमें लंग कैंसर, एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लंग्स के टिश्यू में अगर सूजन आ जाए तो सांस लेने में कठिनाई होती है, जिस कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस या सार्कोइडोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह लंग्स की वेसल्स में खून का थक्का जम जाए या किसी कारण ब्लॉकेज हो जाए तो रेस्पिरेशन पर गहरा इफेक्ट होने के कारण हार्ट के फंक्शंस भी प्रभावित हो सकते हैं, जिस कारण पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। ये रोग कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, एयर पॉल्यूशन, इम्यूनिटी का कम होना, फंगल, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर ये रोग जेनेटिकल भी हो सकते हैं। अगर आपको घरघराहट या छोटी छोटी सांस लेनी पड़ रही है या लगातार खांसी आ रही है, छाती में घिसाव हो रहा है, पैरों में सूजन या नीलापन, खराश या सूजन के कारण गले में दर्द, खांसी के साथ खून आ रहा है, शरीर में दर्द, थकान या आवाज में बदलाव लगे, तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर अपना सही डायग्नोसिस करवाकर इलाज जरूर करवाएं। लंग्स आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। भारत में सांस की बीमारी आम है और इससे गंभीर नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए समय रहते नेचुरली बिना साइड इफेक्ट्स के अपना इलाज करवाएं। अगर आप ऐसी ही किसी समस्या से परेशान हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करें, और अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।